आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल यानी कि सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों हजारों बाधाएं आती हैं। हजारों बाधाएं आने के बाद भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपने लक्ष्य को, अपना जो एम होता है, उसे वो प्राप्त करके ही रहती है। सोचो कि यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी जहाँ पर है वहीं ठहर जाएगा और कुछ दिनों के बाद सूख जाएगा, सूख कर नष्ट हो जाएगा, यानी कि नदी अपना अस्तित्व ही खो देगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होना है तो सफल होने के लिए आपका कोई भी लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को तय करना है। उस लक्ष्य को तय करने के बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली और आखिरी शर्त यही है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। यदि रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं होता। दोस्तों, अगर इतना ही आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं। सफलता के रास्ते में जो बाधाएं आपके सामने मुंह फैलाए खड़ी हैं, जो रास्ते में मिलती हैं, यह बाधाएं हमेशा हमें रोकने की कोशिश करती हैं। जो लोग मन के कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के आवेदन जाते हैं और असफलता को स्वीकार करते हैं। बाद में अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि ऐसा ना होने का कारण यह हो। लेकिन आप जैसे लोग इन परेशानियों का नुकसान का सामना करते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ कमी हो सकती है, कुछ समय आप धीरे चल सकते हैं, मगर आप कभी रुकते नहीं तो आप अपने टारगेट तक जरूर पहुंचेंगे। और जो रुकते नहीं हैं, अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लगातार चलते रहना यही सबसे पहली चीज। लगातार बहती हुई नदी ही अपनी मंजिल प्राप्त करती है। हमेशा हमेशा समय की तरह देखिए, समय हमेशा चलते रहता है। इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा बहते रहती है, कभी रफ्तार से तो कभी धीमे, कभी तेज रफ्तार से तो कभी धीमे, लेकिन रुकती कभी भी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीव हवा के बिना संभव नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सी हैं, जिसमें खरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह हैं, सभी चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। यही वजह है कि प्रकृति का पहला और आखिरी नियम यही है कि जो रुक गया वह असफल हो गया। उसका असफल होना तय है, उसका नष्ट होना तय है। यदि आप भी अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से, अभी से कमर कस लो, तैयार हो जाओ, खुद से वादा करो कि अब रुकना नहीं है। जो लक्ष्य मैंने तय कर दिया है, उस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार कहा था, उठो, जागो और तब तक मत उठो जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति न करो। तो दोस्तों, आज ही अभी से अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और आगे बढ़ें। आप कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे। यही हम कहना चाहते हैं कि
आपके अंदर के उस नाचने वाले, उस कभी ना हारने वाले, कभी ना किसी के आगे छुपने वाले पोटेंशियल को निकाल। और अगर नहीं तलाश सकते हो तो छोड़ दो सपने देखना, छोड़ दो आगे बढ़ने की जिद करना। और नहीं छोड़ सकते हो तो आओ मैदान में, तो आगे बढ़ो और सफलता के कदमों में सफलता कदम।